नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय नंबर वन डिबेट शो। सड़क से संसद तक ईडी पर सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने 3 दिन में 3 जबरदस्त एक्शन किए हैं। मंगलवार को हेराल्ड हाउस समेत 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। बुधवार को हेराल्ड हाउस में मौजूद यंग इंडिया का ऑफिस सील कर दिया गया और गुरुवार को यानी आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन मिल गया जिसमें कहा गया कि आप तुरंत हाजिर होइए, तुरंत आइए। इसके बाद खड़गे बिफर पड़े। संसद के भीतर उन्होंने कहा, पार्लियामेंट सेशन के बीच मुझे समन क्यों भेजा गया है, तो पलटवार करते हुए मोर्चा संभाला सदन में नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, कानून सम्मत काम हो रहा है। हो सकता है कि आपकी सरकार में ऐसा होता होगा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी से एक पैसे के भी नहीं डरते, उन्होंने जो करना है वो कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इनमें से किसी नेता ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जांच का सामना करने से परेशानी क्यों हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भ्रष्टाचार के खिलाफ रण, ईडी पर रण। बीजेपी कह रही है ना कोई रन कर पाएगा, ना कोई भाग पाएगा, ना कोई रण होगा, तो आज का आर पार जोरदार होगा। भ्रष्टाचार पर ईडी के जोरदार प्रहार के खिलाफ सियासी आर पार शुरू हो गया है। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूँ। समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती। अगर किसी ने गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। यानी नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप वाले मामले में अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी रडार पर आ चुके हैं। इससे पहले जब ईडी ने हेराल्ड हाउस में मौजूद यंग इंडियन का दफ्तर सील किया तो कांग्रेस बौखला गई। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रण RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भागने की कौन बात कर रहा है, भागने की वो बात कर रहे हैं। अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा। अब ना मेरे नेशनल हेराल्ड है, ना मेरे घर पे कोई आएगा, लेकिन जिन्होंने किया है क्या वो देश के कानून से ऊपर है? भ्रष्टाचार के एक और आरोपी संजय राउत तो भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बल्कि किसी चैंपियन की तरह गमछा लहराते हुए पेशी के लिए पहुंचते हैं। उन्हें PMLA कोर्ट में अब 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, सत्येंद्र जैन और पार्थ चटर्जी जैसे नेता भी ईडी के शिकंजे में हैं। लेकिन आज ईडी पर सवाल उठाने वालों को आंकड़ों वाला आईना दिखाना भी जरूरी है। मोदी सरकार के 8 साल में 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, जबकि UPA के 9 साल में 4,162 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भ्रष्टाचार के खिलाफ
प्रण, ईडी पर रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बाहुबली ईडी का तथ्यात्मक विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं यूपीए के नौसाल ले रहा हूं। नौसाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो डाटा अवेलेबल है वो 9 ईयर्स का अवेलेबल है और मोदी सरकार के 8 साल में ले रहा हूं। यूपीए के 9 साल के अंदर 4,156 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई, इस फिगर पर आप नजर डालिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर 8 साल के अंदर 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ये फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं, वो क्या है आइए आपको मैं दिखाता हूं। ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में ईडी ने 2,974 छापे मारे, यानी अगर छापे ज्यादा डले हैं तो पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है। 1867 के करीब केस दर्ज हुए, 3555 के करीब केस दर्ज हुए मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर। तो यूपीए वर्सेस मोदी सरकार के 8 साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन द बिग क्वेश्चन अराइज़ेस, जो बड़ा सवाल इस समय खड़ा होता है वो ये है, ईडी का दम, विपक्ष क्या हजम नहीं कर पा रहा उस दम को? ये बड़ा सवाल अराइज होता है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं गौरव भाटिया, जो कि प्रसिद्ध वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे शिवसेना में उद्धव गुट के नुमाइंदे रहेंगे प्रवक्ता, और माधव आनंद रहेंगे प्रवक्ता जेडीयू के। लेकिन बड़ा फेस ऑफ आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया और अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, 60 सेकंड में आपको शुरुआत के देता हूं। बीजेपी कह रही है कि आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें राहुल गांधी से 5 सवाल भी पूछे। गौरव भाटिया ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सुबह संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें सीधे तरीके से बोला, और उन्होंने बोला ना रण होगा ना रन होगा, यानी ना कोई भाग पाएगा ना रण हो पाएगा। क्या आपको लगता है आजादी के अमृत काल में बीजेपी ने आपको ईडी के चक्कर में फंसा दिया, ऐसा आपको महसूस हो रहा? नहीं देखिए अमीश जी, इस देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 रूल कर रही है, इसको हम लोग भागने नहीं देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 को तो लंदन तक हम लोग पहुंचाए थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को हम लोग भागने भी नहीं देंगे। आप बड़ी चलाकी से आंकड़े गिना रहे थे, आपने गिरफ्तारी के आंकड़े नहीं बताए। 401 गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा, और दोषी कन्विक्शन रेट है 23 आदमी का, 0.05%। इस 401 में कोई भाजपाई है? क्योंकि भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वो उनका शिष्टाचार है। दिल्ली से शुरू इतने जितने मित्र, इनके 70 मित्र हिंदुस्तान का कई लाख करोड़ रुपया लेकर के इस देश से फरार हो गए हैं। कुछ मिला उसमें जी? कोई हाथ आया? वो मित्र हाथ आए हो या मित्रों के पैसे हाथ आए हो तो जरा बता दे। 15 लाख तो जो आ रहे थे वो तो गायब ही है। जो काला धन बताया जा रहा था, इतना है इसके अकाउंट में, इतने लाख है, और नंबर तक बताया जा रहे थे, अब बता रहे मुझे पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं है। और कितने जो यहाँ पे जो बैंकों को लूटे हैं वो अभी इंडिया में ही हैं। लेकिन ये तो बीजेपी वाले किसी पे कार्रवाई हो रही है। ये तो मैं आपको, आपके 60 सेकंड से ज्यादा कंप्लीट हो गए, 70-75 सेकंड कंप्लीट हो गए, मैं आपको 15 सेकंड और दे रहा हूँ। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चोर पुलिस से डरता है, ये क्यों कह रहे हैं? ये चोर है तो कहेंगे ही, वो चोर होंगे। ये सोनिया गांधी का परिवार इस देश को 1,000,000,000,000 की अपनी संपत्ति, इस देश को और अपने जीवन को इस देश पे लगाया है, कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ इलाहाबाद का आनंद भवन ही कितने 1,000,000,000,000 का होगा पता है आपको? ओछे आरोप लगाते क्योंकि जो आपसे बड़ी खबर आ रही है, जो आपसे मतभिन्न है, बड़ी खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के ईडी के हवाले से, बड़ी खबर आ रही है ईडी के हवाले से, बड़ी खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनसे ईडी की अभी भी पूछताछ जारी है। दोपहर 1:30 बजे से ये पूछताछ हो रही है और कई जानकारियां निकल के आ रही है, कुछ सबूत मिल रहे हैं ईडी को, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। योर रिएक्शन अखिलेश प्रताप सिंह। अरे जनाब, इसी मामले में आपके जो सूत्र है ना, लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं कर देते हैं? कांग्रेस ने तो 20 बार कहा, आप में भी हैसियत हो तो कहिए सरकार को कि पूछताछ की लाइव टेलीकास्ट कर दिया करें। क्योंकि इसी सारे प्रकरण की 2016 में इसी ईडी, इसी इनकम टैक्स और इसी चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी है।
सर पर कोर्ट गए थे आप सबको पता है। नहीं हैसियत की आप बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की लीगल टीम में उतनी हैसियत है तो कोर्ट जाके रिलीफ लेकर आए इस पूरे मामले में। हाँ तो जब कुछ करेंगे, अभी तो पूछताछ कर रहे हैं ना, जब कुछ तो बेल ले रखी है आपने। ओके गौरव भाटिया चोर आप है, चोर आपसे मेरा तात्पर्य है, आपकी पार्टी चोर है, आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज तो बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर, जिस पर उनकी तीखी तकरार हुई पीयूष गोयल से, उन्होंने बोला कि मैं सदन का सदस्य हूं लेकिन मुझे पूछताछ के लिए बुलावा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो बुलावा आ रहा है, ईडी ने बुलाया है। गौरव जी, अमीश जी, देखिए सर्वप्रथम एक बात जरूर कहूंगा कि आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और देश और सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, और केवल लूटा नहीं है अमीश जी, जिनकी हर सांस में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आम जनता की गाड़ी कमाई को वो लूटे और उसके बाद वो विदेशी यात्रा पे भ्रमण करें, आज उनको सबक सिखाया जा रहा है। और मुझे तो गर्व है, मुझे गर्व है इस ईडी पर, जिसको आपने बताया 1,05,000 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया है, जिसने ये सुनिश्चित किया है कि 25 लोग दोष सिद्ध हो और वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े, जिसने 992 चार्जशीट फाइल करी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इडियट है, पालतू है अमीर जी। जनता तो ये कह रही है पालतू वो है जो गांधी परिवार के इशारे पे एक जांच एजेंसी को पालतू बुलाता है, और आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी के लिए जीनियस कौन है? जीनियस वो है, मेरे हाथ में देखिए आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गए, वहां उनकी याचिका निरस्त हो गई, सुप्रीम कोर्ट गए कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं प्रथम दृष्टया। पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप झूठे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपने 400 गिरफ्तारियां करा ली। देखिए अखिलेश जी को कह दीजिए गांधी परिवार की कसम खा के ये कह दे, उनके दिल में वो जानते हैं गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है। और मैं क्यों कहता हूं, तथ्यों में कहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आप बताइए एक राजनीतिक परिवार भारत में जिसके 3 सदस्य अमीश जी और भ्रष्टाचार के आरोप में ही बेल पे बाहर हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। दूसरी बात आप मुझे बताइए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे गांधी परिवार ने ठगा नहीं। मुझे तो अखिलेश जी के लिए भी कभी कभी डर लगता है। अरे अखिलेश जी क्यों डर रहे हैं आप? देश की बात करते हैं, मैं इसलिए कि ठग ना लिए जाएं, ठग ना लिए जाएं। अखिलेश जी आपकी चिंता हो रही है, बात को पूरा कर लूं। हाँ होनी भी चाहिए, हमारे नागरिक हैं, भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई तो नहीं। अमित जी दूसरी बात जो आज बड़ी अहम है, अमित जी आप बताइए एक जांच एजेंसी को यह बताना कि वो कैसे कार्रवाई करे। इनके एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कह दिया ईडी सोनिया गांधी को अपने कार्यालय कैसे बुला सकती है, ईडी को घर जाना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने बोला मतलब चोर के घर दरोगा जाएगा, चोर से कहेगा चोर भैया बताओ कौन सा टाइम सूट करता है, रात में आए दिन में आए, ऐसे कोई जांच होती है? ठीक है, और ठीक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक, आप मुझे बस बात अंत कर लूं, 15 सेकंड दे दीजिए। वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक है, ये सोचते हैं कि गांधी परिवार के कद के सामने ईडी बौनी है। मैं कहता हूं ईडी ठीक है। मैं अखिलेश जी के पास आता हूं। अखिलेश जी, स्मृति ईरानी से के साथ मैंने एक साक्षात्कार किया, जो स्मृति ईरानी से ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला तो कोर्ट भी आप सोनिया जी के घर पर ही लगवा देना चाहिए, सारी व्यवस्था सोनिया जी के घर पर ही कर देनी चाहिए। आपने गोवा के बारे में पूछा कि नहीं स्मृति जी से, जो तमाम आपने पूछा था कोर्ट ने जवाब दे दिया आ रहे हैं तमाम चीजें आपने पूछा दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, 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 नहीं कोर्ट ने जवाब क्या एक तरफा दिया, उसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है
एक तरफा एक तरफी बात कोर्ट को बता करके बाद में हम लोग बताएंगे। और रोजाना आप ही लोग खोद के ला रहे हो, मतलब मीडिया वाले भाई पत्रकार ला रहे हैं, मैं गोदी मीडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, जो पत्रकार लोग हैं वो लोग ला रहे हैं कि गोवा में किस तरह से क्या क्या कैसे कैसे लिप्त हैं। ये पूछा था आपने? नहीं पूछ सकते यार। खैर, हम आपके साथ हैं, हम आपको ये धर्म संकट में नहीं डालेंगे कि आप पूछ करके अपने ऊपर आफत और बलाएं मोल लें। चलिए अखिलेश जी, आपने गोदी मीडिया की भी बात कर ली, आपने बोल दिया कि हम पत्रकारों की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की नहीं बात कर रहे। एक बार अखिलेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक बार एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको लगता है अगर कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है तो फिर कोर्ट ने राहत क्यों नहीं राहत दी? कोर्ट भी किसी की गोदी में बैठा हुआ है क्या? कोर्ट ने कौन सी राहत? कोर्ट भी किसी की गोदी में बैठा हुआ है क्या? कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? आपने बोला जांच रुकवाने की बात की, आप कोर्ट गए, आपने जांच रुकवाने की बात की, जांच नहीं रोकी कोर्ट ने, कहां रोकी जांच? अरे जांच कर लो ना, हम तब कर रहे थे। आप रुकवाने गए थे कोर्ट में? अभी जांच के बाद आप जांच रुकवाने कोर्ट गए थे? आप पूछ ले फिर बोलूं। मैंने पूछ ली, आप जांच रुकवाने कोर्ट गए थे, कोर्ट ने जांच नहीं रोकी? हाँ हाँ, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी सर। अरे सुन लीजिए भाई मेरे, हम आप ही की एजेंसी कह रहे हैं, मतलब इस देश की एजेंसी आपकी भी एजेंसी है, अन्यथा मत सोच लीजिएगा। आपकी इन्हीं एजेंसियों ने 2016 में ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नहीं, कि कोई भी अनियमितता नहीं है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी कहा था। लेकिन जो असहमत है, जो सुल्तान से सवाल कर देगा, जो जनता की आवाज उठा देगा, ठीक है, गौरव भाटिया जो इस देश में, गौरव भाटिया जो सुल्तान से सवाल कर लेगा, उसकी जो लड़ाई लड़ने लगेगा, उस पे जो है ये कार्रवाइयां होंगी, ठीक है गौरव भाटिया जो, गौरव भाटिया जो एक एक करके आपने पॉइंट रखा, इसका जवाब फिर आप बोलिएगा, फिर आप भी बोलिएगा, होगा ठीक है। गौरव भाटिया जवाब, जो सुल्तान से सवाल पूछेगा उस पे कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने आज बोला नरेंद्र मोदी जी को कह दो जाकर मैं डरता नहीं हूं। देखिए, राहुल गांधी बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं और मैं बताता हूं क्यों। राहुल गांधी बिल्कुल डरते हैं, वो ईडी से डरते हैं, जनता के सवालों से डरते हैं। चुनौती दे के आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे हैं 5 में, क्या एक सवाल का उत्तर दे दे राहुल गांधी शायद ना दे पाए। अखिलेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, यही उत्तर दे दें, आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और राहुल गांधी हमेशा से उनका चरित्र रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन कोई सवाल पूछ ले तो सुल्तान बन जाते हैं। सुल्तान तो यही है, गुस्ताखे गांधी परिवार की एक ही सजा, आपके दिमाग से भेजा गायब। मतलब अगर आपने गांधी परिवार से सवाल पूछ लिया, आंतरिक भी कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, तो वो आपको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, आपका भेजा गायब कर देंगे। ये जो G23 है अमित जी, ये क्या है? ठीक है ओके अखिलेश जी, 20 सेकंड में जवाब क्या है? सवाल पूछे उनको बाहर कर दो। गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, इनके जवाब देना चाहेंगे इस मंच से? चलिए सुनिए, मैं बोलता हूँ, सुनिए। देखिए, किस दल में लोकतंत्र है, किस दल में नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता है। कहाँ तानाशाही है उस दल के लोगों को भी, ये उनको भी पता है, और वो लोग भोग भी रहे हैं। बात दरअसल में ये है कि 8 साल से सरकार है, अब सरकार से सवाल हो रहे हैं, क्योंकि साहब ने कहा था कुछ वर्षों पहले कि मेरी इच्छा है कि 2022 में सबको पक्का घर होगा, उसमें LED बल्ब होगा, उसमें पाइप होगा, उसमें जल होगा, उसमें शौचालय होगा, इस देश के हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा। अब ये सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछने से पहले आप तो बिल्कुल मोदी जी की तरह खड़ा करो, सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना के। हाँ, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट सत्ता में, भैया आप हो, रुक जाओ, जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदारी आपको मिली है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में, आपका काम केवल भ्रष्टाचार करना है कि हम किसानों को, किसानों की आय 2022 में जब हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा होगा, तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। भैया बताओ, आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाएंगे, तो ध्यान भटकाने के लिए गौरव भाटिया है, बताएंगे उनकी पार्टी के। गौरव भाटिया जवाब,
गगन न्यान, अरे सर आप सिर्फ एक प्रोग्राम चलाइए अमीश भाई, आदरणीय मोदी जी ने जो वादे किए हैं एक दिन में एक वादे दिखाइए, 100 दिन लग जाएंगे। गौरव भाटिया ये तो बिल्कुल मोदी जी के सिर्फ वादों का क्या हुआ, मोदी जी को काफी फॉलो कर रहे हैं और उनकी तरह भी बोल रहे हैं, जवाब गौरव भाटिया जवाब देंगे। प्रोग्राम चलाइए जनता के हित में, सुनिए सुनिए जी 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 सुनिए अमीश भाई एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जनता के हित में आदरणीय मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, ठीक है ठीक है, 75 लाख, 2 करोड़, अभी आपने बोले कई सारे वादे, गंगा मैया, जवाब जवाब, काशी क्योटो से लगाए, ठीक है जवाब जवाब जवाब, अखिलेश जी अखिलेश जी आप लोग अखिलेश जी जवाब क्यों सुनेंगे ना, गौरव भाटिया का देन आनंद दुबे, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव जी मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, आज जो चर्चा का विषय है लगता है उस पर अखिलेश भाई की तैयारी थोड़ी कमजोर है, राहुल गांधी के ही एकेडमी के ये छात्र हैं ऐसा होता है। मैं उस चर्चा के विषय पे नहीं जाता हूं, लेकिन तीन बातें कहता हूं ऐतिहासिक, बाकी तो बहुत कुछ किया है। अनुच्छेद 370 70 साल नहीं हटा पाए, हटा के दिखाया, राम मंदिर बनवाया, और सबसे बड़ी बात है 1 rank 1 pension, मैंने बता दिया तीन। लेकिन आज जो चर्चा का विषय मैं उस पर आता हूं, अमित जी इनकी परेशानी क्या, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोर्ट नहीं, सिर्फ इनकी परेशानी नहीं है, अब तो शिवसेना की भी परेशानी है, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ का शिवसेना उद्धव गुट की भी परेशानी है। हाँ अब ये ठीक बोला आपने, उद्धव गुट बोल दिया, क्योंकि उद्धव गुट शिवसेना थोड़ी ना है, उद्धव गुट तो सोनिया से है, लेकिन निशांतर नहीं करूंगा, उस पर रुक के आऊंगा, ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा। सुनिए इलेक्शन कमीशन निर्धारित, मैं अपनी बात रख लूं जी जी जी। हाँ अमीर जी सुनिए, देखिए राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या कहा था, मेरे हाथ में ये न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम मामला रद्द नहीं करेंगे, आज सर्वोच्च न्यायालय भी खराब हो जाएगा, पीएमओ तो खराब है ही, आर्मी सड़क का गुंडा है, ईवीएम काम नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ठीक नहीं है, और पत्रकार तो दलाल होते हैं, खराब होते हैं। अब ये सोच अगर किसी की हो जाए अमीर जी, आपको लगता है कि उनसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वो उत्तर देंगे, नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज सवाल बहुत बड़ा है, सवाल ये बड़ा है कि क्या अगर गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है प्रथम दृष्टया, तथ्य यही कहते हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी, वीवीआईपी कल्चर बना रहेगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी से सवाल पूछने से पहले जांच एजेंसी का ऑफिसर थरथर कांपेगा, नहीं अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी थरथर कांपेंगे, क्योंकि ये रसूख होगा, ठीक है जवाब जवाब जवाब, ये रसूख होगा कानून का, ये रसूख होगा, आप कह रहे हैं ये ओके ओके, अकेले 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 जी थरथर कांपेंगे सोनिया जी और राहुल जी जी, जवाब इस बात का जवाब देना आनंद दुबे भैया, डुप्लीकेट ईस्ट इंडिया, डुप्लीकेट ईस्ट इंडिया कंपनी वालों इस गलतफहमी में मत रहो, समझे ना, थर थर आप इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बुला रहे हैं, जो अखिलेश जी होता ना ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे खुद की पार्टी तो अंग्रेज ने बनाई थी, क्योंकि उसको भी इस देश से कोई लेना नहीं था, इनकी पार्टी उसको भी इस देश से जोर जबरदस्ती करनी थी, ये क्या बोलेंगे बीच में, अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए सुनिए सुन लीजिए, नहीं नहीं अखिलेश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस देश से लूटना, बहुत पसंद है उसको भी इस देशवासियों पर जबरदस्ती राज करना था, यहाँ की संपदा को लूटना था, सुन लीजिए परेशान मत होइए, सच्ची बातें चुपती है, थोड़ा रुक जाइए, अभी इन्होंने कहा पत्रकार को अब सब कहने वाले, हाँ आपके मंत्रिमंडल में अभी भी वो सज्जन है, वो मंत्री जी क्या क्या कहा था, मैं शब्द का दोहरा नहीं सकता यार, दोहराऊं क्या, आवश्यकता नहीं है, कितने लोग और पत्र आपके पत्रकार भाइयों को क्या क्या कहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेना का जिक्र किया आपने, उस पे कुछ कहे हमारे आदरणीय, हमारे आदरणीय बीच में नहीं बोलता भाई, राहुल गांधी ने अपनी जेब से कितना रुपया दिया कि 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, आपको बताइए भाई, मान तो जाओ, ठीक है मैं आनंद दुबे के पास जाता हूँ, अगर हिम्मत है अखिलेश जी, आनंद दुबे जी 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 ठीक है, इनमें हैसियत, अरे मेरी बात होने दे जनाब, आनंद दुबे लगातार इंतजार कर रहे हैं, किसकी हैसियत है किसकी नहीं है वो तो जनता तय करती है, लेकिन आनंद दुबे मेरे साथ हैं। आनंद दुबे, संजय राउत की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में वो चले गए हैं, रिमांड पर चले गए हैं पात्रा चौल घोटाले के पूरे आरोप में, उनकी पत्नी को भी नोटिस भेजा गया है, और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो उनके पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ है, क्या आपको लगता है अभी भी ईडी जबरदस्ती की कार्रवाई कर रही थी जब गरीब का घर लूटा गया, आप गरीब के साथ हैं या देखिए अमीश जी ऐसा है कि भारत, देखिए ऐसा है कि
हम तो गरीब के साथ भी हैं, हम संजय राउत जी के भी साथ हैं और अभी भारतीय जुमला पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हैं गौरव जी, ये बता रहे थे कि बीजेपी का ईडी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट है 71 लोग हैं जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। इनमें से एक सिंगल व्यक्ति के भी घर पर सुबह 7 बजे बेल मारकर ईडी नहीं गई। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनके पास 8-8, 10-10 बार समन्स हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, रेड नहीं हुई है, उन्हें ईडी गिरफ्तार नहीं की है, अदालत में नहीं ले गई है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को क्यों? तो उसका कारण अब सुनिए धैर्य से। संजय राउत जी पिछले 2.5 वर्षों से जिस प्रकार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, केंद्र सरकार की जो कुरीति है जो कि जमीन तक नहीं पहुंच रही उसके खिलाफ बोल रहे थे, शिवसेना के एक मुखर नेता थे, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन रहे थे, यह भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं था। वो पहले दिन से ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी को संजय राउत का चेहरा पसंद नहीं था। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। आज संजय राउत को जब कोर्ट में पेश किया तो ईडी ने कुछ तथ्य पेश किए जिसका जवाब नहीं था संजय राउत के पक्ष के पास। उन्होंने बोला हम वापस आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इंडिया टीवी को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। तो न्यूज 18 देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर आ रही है कि लगातार ईडी की पूछताछ मल्लिकार्जुन खड़गे से जारी है। अब ये कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किया गया, 1:30 बजे ये पूछताछ जारी है। हेरल्ड हाउस में ये पूछताछ हो रही है, हेरल्ड हाउस में मौजूद है कुछ नेता प्रतिपक्ष और वहां पूछताछ हो रही है। और खबर मिल रही है कि कुछ देर में कई कांग्रेस के नेता भी वापस पहुंच सकते हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। क्या कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है ईडी, इसकी ओर भी इशारा बार बार किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह, गौरव भाटिया और साथ ही साथ मेरे साथ माधव आनंद और साथ ही साथ आनंद दुबे है। आनंद दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये एक लॉजिक से बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी से तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आप पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे हैं, उन पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। मायावती भी सवाल पूछ रही है, उन पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। पॉइंट ये है फैक्चुअल, कोर्ट के अंदर आपके तथ्य क्या है, लेकिन कोर्ट के अंदर बार बार ये कहा जाता है कि संजय राउत की तबीयत खराब है, वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें स्टंट डले हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है आपके पॉइंट को वीक करता है? अगर पात्रा चौल घोटाले में गरीब आदमी की जमीन मारी गई है तो यह मामला बड़ा है, भ्रष्टाचार का मामला है ये। मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण राउत, 2010 में उसकी पत्नी संजय राउत जी की पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए देती है। 7-8 साल के बाद जब वाधवान का केस खुलता है तब यह मालूम पड़ता है कि प्रवीण राउत ने घोटाला किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे। अगर संजय राउत जी 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16 कंटिन्यूस पैसे लिए होते, 18 तक लिए होते, तो आप जरूर कह सकते थे कि ये इनकी कोई मिली भगत। तो आपकी ऑब्जेक्शन है कि एक बार पैसे लेने में पकड़ के पकड़ा क्यों जा रहा है, अगर कई बार पैसे ले तो पकड़ा जाना चाहिए। नहीं नहीं सुनिए, नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तब आप समझेंगे। जी जी। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले किसी से पैसे लिए हैं और किसी व्यक्ति ने 10 साल बाद कोई क्राइम किया है तो आप उसको उस क्राइम से जोड़ देंगे क्या मिस भाई? अगर घोटाले में आनंद दुबे, आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट बैलेंस शीट्स, आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट फाइनेंस बिकॉज आई वर्कड इन अ बिजनेस चैनल एंड आई वाज एडिटर ऑफ दैट। आई जस्ट टेल यू ब्रीफली, इट इज नॉट, हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं। बिल्कुल आप समझते होंगे, बिल्कुल आप समझते होंगे, आपकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने बोला कि वो कई वर्ष बाद पकड़ा गया, ऐसा नहीं हुआ है।
इस पूरे मामले में 2007 का मामला है और जब आप पैसे बोल रहे हैं तभी उसके आसपास ही जमीन बिकी है, उसके आसपास ही बिल्डर्स को दी गई है। वो बिल्डर परवीन राउत को पैसे देता है, वो वही परवीन राउत की पत्नी वर्षा राउत संजय राउत की अकाउंट में पैसे डालती है, जो खुद आपने भी स्वीकारा, खुद आपने भी बोला। इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? लोन में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? जो भ्रष्टाचार कर रहा है वही पैसा ट्रांसफर, उसकी बीवी पैसा ट्रांसफर कर रही है। अरे तो किसी से कोई लोन नहीं ले सकता है क्या? तो एक कमाल की बात है, तो 2018 में खुला है, तब उसने और आप कह रहे लगातार पैसे ले तो मानना मामला बनता है। उसने 2010-11 में किया था। ओके, माधवनंद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। माधवनंद, मैं नहीं समझ रहा किसी को फ्रेम करना है। नहीं, फ्रेम करने की बात नहीं है माधवनंद, क्या फ्रेम किया जा रहा है? क्या फ्रेम किया जा रहा है? फ्रेम करने की बात है। ठीक है, ओके माधवनंद, पहली बार बोल रहे माधवनंद, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, देन गौरव भाटिया विल कम इन एंड अखिलेश जी विल कम इन। अमित जी, मुझे एक ही मिनट का वक्त दीजिएगा, लेकिन कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जी सर। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता का बहुत स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग जो है करप्शन पे रखते हैं, और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम लोग बचाने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन किया है और अगर ईडी उसकी जांच कर रही है, तह में जा रही है, तो मुझे लगता है हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है। अब पूरे वाक्या को आप समझने की कोशिश अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब खुद ही बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने गलती नहीं की तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? संसद का सत्र क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? जहां लोक कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जनहित से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां आप चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं होने देते हैं। संसद का सत्र जो है तो आप बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो है तो ये नियति का दिखता है कि आप नहीं चाहते हैं कि संसद में बहस हो। ईडी को अपना काम करने दीजिए, ईडी अपना काम कर रही है, और यही लोग कहते हैं कि एक तय सीमा के अंदर जो है तो ये सब इन्वेस्टिगेशन होनी जा रही है, हो जानी चाहिए। अगर ईडी अगर सक्रिय भूमिका निभा रही है और ईडी चाहती है कि अब निष्कर्ष पे पहुंचा दें इस केस को, तो इसमें हाई तवाई लोग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक विषय में और बोलना चाहता हूं, जो बार बार ये लोग ईडी पे आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, अगर 1% अगर इन लोग की बात को मान भी लिया जाए कि ईडी अगर दुरुपयोग कर रही है, तो माननीय कोर्ट पे तो सबका विश्वास है ना। अगर ईडी अगर दुरुपयोग कर रही है तो ईडी कोर्ट में साक्ष्य पेश करती है, और साक्ष्य के आधार पे कोर्ट जो है तो अपना डिसीजन देने का काम करती है। अगर ईडी के पास साक्ष्य नहीं होगा तो आखिर कस्टडी कैसे मिल रहा है? कैसे एक एक लोगों का कस्टडी जैसे ईडी को दे ठीक है, ठीक है, लेकिन 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 जी आपने अपनी बात को रखा, लगभग 2 मिनट आपने अपनी बात सुनाई। अमित भाई आनंद दुबे भी कुछ कह रहा था, लेकिन आनंद दुबे कह रहे हैं, आनंद दुबे कह रहे हैं कि एक ही बारी तो पैसे नहीं है सिर्फ, इसमें कोई इसमें इसमें कोई इसमें कोई ट्रेस नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट नहीं अमित भाई, एक मिनट बहुत बढ़िया, माधव आनंद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। खड़गे साहब ने सदन में कहा कि सत्र चल रहा है, मुझे बुलाया गया। अरे तो कौन से संविधान, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो आपको सम्मन नहीं भेजाया जाएगा? कौन से कानून में लिखा हुआ? आप मुझे बीजेपी के सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए। अखिलेश जी से पॉइंट है, ओके अखिलेश जी से पॉइंट है, फिर मैं आपके पास आ रहा आनंद दुबे। अखिलेश जी 40 सेकंड में जवाब, ये किस संविधान में लिखा है सत्र चल रहा है तो बुलाया नहीं जाना चाहिए? जेडीयू पूछ रही है, जेडीयू कह रही है, डर क्यों रहे हैं आप लोग? ऐसा सुनिए, एक बार इतना पूछना पूछे, देखिए पहले अगर ये जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसको अगर ये जानते रहते तो आज ये बात नहीं कहते, क्योंकि सत्र सत्र का खुद मालिक होता है, और जब सत्र चलता है तो एक इंस्ट्रक्शन जाता है गवर्नमेंट को कि उस दौरान कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें सांसदों या विधायकों को उपस्थित होना जरूरी हो और आप कहीं उसकी मीटिंग कॉल करते हो। ये व्यवस्थाएं हैं, ये संविधान से नहीं चलता, सत्र संसद विधानसभा अपनी व्यवस्थाओं से चलती, इनको जानकारी नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ आपके मन लायक बात करता हूं अमीश भाई। गुजरात के एक पोर्ट पे पिछले कई वर्षों से लाखों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, और कितने लाखों करोड़ के ड्रग्स चले गए, अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है उसमें? कोई धर पकड़ कोई नहीं, ये जीरो टॉलरेंस। अरे ड्रग्स से बड़ा खतरा किस देश को भाई, लाखों करोड़ के पकड़े गए हैं,
पकड़े गए हैं तभी तो आप बता रहे हैं क्या मामला है। और बताया गया कि इसी तरह के पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं उस पर बात कर लीजिए, बीच में ना बोलिए प्लीज। अमीश भाई मैं तो बोलता नहीं, दूसरों को लोग कहते मेरे बीच में कौन है, बोले चुप रहिए, थोड़ा सुनिए तो ज्ञान बढ़ेगा आपका, सुनिए। फिर जो ये भी खबर आती थी कि इसी तरह के भी कंसाइनमेंट अभी तो इतने इतने क्विंटल टन में और जा चुके हैं, हालांकि वो पकड़े नहीं गए। ये क्या था, अफगानिस्तान से टेलीकॉम पाउडर आ रहा है, जहां खाने का ठिकाना नहीं वहां से पाउडर आ रहा है और भारत की सरकार के नाक के नीचे काम चल रहा है। अब देखिए इनके भ्रष्टाचार का एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे एक मलिक साहब गवर्नर हैं कश्मीर में जब थे, तो उन्होंने खुद बयान दिया था कि हमको दो जगह दस्तखत करने को, दो फाइलों पे बोला गया कि दस्तखत कर दो, कई कई सौ करोड़ रुपए मिलेंगे। ओके गौरव भाटिया भ्रष्टाचार पर आपकी जीरो टॉलरेंस जो है उसको एक्सपोज कर रहे हैं अखिलेश प्रताप से। ये ठीक है, जवाब अखिलेश जी। मैं अपनी बात और आनंद दुबे कह रहे हैं 55 लाख रुपए तो लिए वो, और आपको क्यों लग रहा है वो भ्रष्टाचार है, फ्रेम करने के लिए किया गया है। पहले संजय राउत पर फिर अखिलेश जी। पहले शिवसेना, माफ करिएगा, उद्धव शिवसेना, वो कागज ढूंढ रहे हैं अभी जो व्हाट्सएप आया है वो ढूंढ रहे हैं, अभी जो व्हाट्सएप आया है उसको ढूंढ रहे हैं कहां पे आया है कौन सा आया है जो। अरे क्यों आप गौरव भाटिया के पीछे पड़ के बोल रहे हैं, गौरव जी वो सुनिए, गौरव जी वो कह रहे हैं व्हाट्सएप से ढूंढ रहे हैं कुछ, शोक संदेश लिखना होता है ना, मैं बता रहा हूँ वो जो आया वो समझते हैं राहुल गांधी है हर कोई। राहुल गांधी को जब शोक संदेश लिखना होता था अमित जी तो वो मोबाइल से पढ़ के लिखते थे, एक बार नेपाली एम्बेसी में हमने देखा था, तो ये तो उनका आईक्यू है। खैर जाने दीजिए, मैं पहले शिवसेना पे बात करता हूँ। आपको मालूम है आज कोर्ट ने क्या कहा है, तीन चार बड़ी बात बताता हूँ। बोलिए अरे आप ये कहाँ की डिग्री है, शांत अखिलेश भैया शांत देखो भैया, जब इतना आप लोग जानबूझ के बात जब राहुल गांधी मिले तो थूक दीजिए कि हमारे हमारे साहब के ऊपर पे कोई उंगली उठा रहे भैया, आपके आप जानबूझ के आमंत्रण देते हैं कि कोई उनके विशेषताओं पे प्रश्न खड़ा करे, तो आप अपनी बात रखिए ना, लेकिन आप आमंत्रण देते हैं। देखिए अखिलेश जी आप ही ने बोला ये व्हाट्सएप से देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जवाब दिया, आप ही ने बोला ना व्हाट्सएप से वो देख रहे हैं। तो भाई तो जब ये ठीक है ये जब किसी ये अब आप ही ने मुंह में हाथ डाला तो जवाब तो फिर मिलेगा ना, इसलिए बोलते हैं कि इनके हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि फिर जी। चलिए अब गौरव भाटिया बोलिए, आप लगता फ्रीज हो गए अखिलेश जी, बोलिए। देखिए आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई, अभी आदेश तो नहीं आया है लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई कोर्ट से उस पर मैं तीन चार बड़ी बातें कहता हूं, दर्शकों को भी पता चले। जी जी जी। सबसे पहले ईडी के लिए क्या कहा न्यायालय ने अमीर जी, सबको पता होना चाहिए। जो शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, रिमार्केबल प्रोग्रेस है, विवेचना में रिमार्केबल प्रोग्रेस। जिस ईडी को इडियट बुलाते हैं, पालतू बुलाते हैं, उसी ईडी के लिए न्यायालय कहता है रिमार्केबल प्रोग्रेस। दूसरा, आप याद करिए 4 दिन की ईडी को कस्टडी पहले दी थी, आज बेल नहीं दी संजय राउत को, आज 4 दिन की ईडी कस्टडी और बढ़ा दी क्योंकि इतने तथ्य सामने आ रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, राउत इट सीम्स प्राइमा फेसा ही है, प्रथम दृष्टया फ्रंट मैन थे, और यहां पे शिवसेना के प्रवक्ता आके कहते हैं एक ही बार तो भ्रष्टाचार किया है, रुपया केवल 1,06,00,000 ही तो लिया है। सोचिए 672 गरीबों का घर जो है आपने उजाड़ दिया, उनकी आह आपको लगी है। और मैं एक बात और कहूंगा, ये नौटी को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया, ये तो उखड़ गए। नौटी को उखड़ना नहीं चाहिए ऐसे, बल्कि उनको चाहिए कि बेल लें, बाहर आए और उसके बाद जो प्रश्न जनता पूछ रही है उसका जवाब। लेकिन दूसरा, लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता उद्धव गुट के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप डरते हैं संजय राउत से क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ क्या, आप बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द बोले थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई ये बोला था, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी? क्या चुनाव जीते, जनता ने जितवाया,
और मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ। ठीक है, अब आनंद दुबे, आनंद दुबे अपनी बात को रखे है ना। ठीक है आनंद दुबे, आप उखड़ गए हैं, मैं बात पूरी कर लेता अमीर जी। जी जी, मैं आप आगे आपको मौका दूंगा, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पुराने साथी हैं। अमीर जी, आप दोनों का साथ, वो कहते हैं कि जो सबसे प्यारा होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है, शायद ऐसा ही हो रहा है वो क्या आनंद दुबे। नहीं नहीं, राजनीति में दुश्मन कोई नहीं होता, विरोधी होते हैं। बस कोर्ट ने, इन्होंने सोनिया गांधी के सामने झुकना सीख लिया। उस ईडी ने पहला सवाल क्या पूछा मालूम है? उस ईडी ने पहला सवाल पूछा कि संजय राउत जी, ईडी ने आपको कैसा ट्रीट किया? कोई गलत ढंग से तो ट्रीट नहीं किया? तो उन्होंने कहा साहब बहुत गलत ढंग से तो नहीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको फटकार लगाई कोर्ट ने, ईडी को, कि ये संजय राउत जी हैं, इनका ख्याल रखिए। तो ईडी को बहुत ज्यादा शाबाशी नहीं दिया वहां कि वाह ईडी वाह, आप क्या काम करते हो। और दूसरी बात, वो जो चार दिन की बात आप बता रहे हो कि कस्टडी मांगा है आर्यन खान के केस में, आर्यन खान के केस में दो दो दिन 27 दिन की कस्टडी चली और बाइज्जत बरी हुआ और पूरी एनसीबी को फटकार लगी। तो आपकी मंशा ये है कि पहले हम अपमानित हो, पहले हम जेल जाएं, फिर बाइज्जत बरी होके आए और कहें देखिए भैया हमें तो गलत फंसाया था, ये ईडी ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ईडी तो स्वायत्त संस्था है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ईडी को जाके मिलिए। आप ऐसा अगर कोई भूमिका विपक्ष के साथ करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ट्रीटमेंट अच्छा करना चाहिए ईडी को, संजय राउत करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है आनंद दुबे? हम लोग करेंगे उसका सामना भी है। आपने बोला ना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रही है, पूछिए ना कि जज साहब ने क्यों पूछा। ठीक है, नहीं जज साहब ने पूछा कि आपके साथ इनका व्यवहार कैसा रहा। गौरव भाटिया जवाब बताइए, जवाब दीजिए जज साहब। देखिए पुनः एक बात कहूंगा, इन्होंने बार बार कहा, इन्होंने बार बार कहा कि अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था। आपको मालूम है अमीर जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन सोनिया गांधी के सामने नहीं झुकूंगा। तो अपमानित तो आपने बाला साहब ठाकरे जी को किया जब आपने महावसूली अघाड़ी में सोनिया गांधी के सामने नरमस्तक होके और जो है मत्था टेक दिया। ये बाला साहब ठाकरे जी के आदर्श नहीं थे। दूसरा, कोर्ट में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये शब्द का प्रयोग किया गया, रिमार्केबल प्रोग्रेस जज, ये कभी नहीं कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, संजय राउत का ख्याल रखिए। कोर्ट ऐसी भाषा नहीं बोलता है, कोई वीवीआईपी नहीं होता है। और मैं तो चुनौती दे के कहता हूँ, संजय राउत बेल क्यों नहीं लेके बाहर आ जाते, न्यायालय जाए, जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं वैसे ही अपना मामला रद्द कराएं और चौड़े से घूमें। आनंद दुबे जवाब, ऐसा हो नहीं पा रहा। अरे बिल्कुल यही होगा, लेकिन जब आप पोथी पे पोथी बढ़ा के रख रहे हैं और आप क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं कि नहीं सर कुछ और पूछना है, सर कुछ और पूछना है, ठीक है भाई दो दिन की कस्टडी बढ़ा दो, तीन दिन की कस्टडी बढ़ा दो, भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है जज साहब का। जज साहब को लग रहा है, अगर जज साहब को लग रहा है कि भाई नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईडी ने इतने गलत झूठे सच इतने बना रखे हैं कि उसका अंत ही नहीं आ रहा। बताइए भाई, जेल तक पहुंचेगा आदमी क्यों नहीं आ जाते, जिरा ही नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए ना, बिल्कुल कराएंगे, बात सुनिए, बिल्कुल करा के आएंगे। जैसे आर्यन आया था, जैसे आर्यन आया था, आर्यन कौन है? आर्यन आर्यन एक सुपरस्टार का बेटा है, मतलब हाउ कैन यू कंपेयर संजय राउत जो खुद जमीन से उठकर आए, इसके ऊपर आर्यन नहीं, संजय राउत खुद जमीन से, आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा है, दैट इज क्वालिफिकेशन। और एनसीबी ने, और एनसीबी को माफी मांगनी पड़ी, एनसीबी को माफी मांगनी पड़ी देश की जनता के सामने, और सभी अधिकारी बदली गए और इस पे बड़ी थूतु हुई थी। दैट वाज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, दैट वाज अ ड्रग इशू। इसके इसके लिए ओके ओके, एक मिनट, आप समझे नहीं, सेंट्रल एजेंसी, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल एजेंसी। द सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से यूज हो रही है, ठीक है, सेंट्रल एजेंसी की प्रॉब्लम है। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया क्विक रिप्लाई टू दिस, देन अखिलेश जी एंड माधव आनंद। गौरव भाटिया, सेंट्रल एजेंसी जिस तरह के इस्तेमाल हो रही है, पहली बात
हाँ मैं बताता हूँ, पहली बात आर्यन हो या संजय राउत हो, कानून के ऊपर नहीं है। सुपरस्टार का बेटा हो चाहे वो किसी आम आदमी का बेटा हो, सब बराबर है। और मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा तटस्थ एक जांच एजेंसी नहीं हो सकती कि जब चार्जशीट फाइल करी तो आर्यन का नाम उसमें नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक निष्पक्ष जांच करके उन्होंने पाया कि सबूत नहीं, ये तो प्रमाण था तटस्थ होने का। और दूसरी बात ईडी के बारे में बता दूं, अनिल देशमुख जब जेल गए अमित जी, इन्होंने कहा राजनीतिक द्वेष का मामला, 9 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास 7 साल थे ये मामला जो है रद्द कराने का, नहीं करा पाए। नवाब मलिक 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं और सत्येंद्र जैन 2 महीने से। ईडी ने ये गिरफ्तारी 3 करी है जो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, ईडी अगर इतनी जी, जी, जी। तो न्यायालय रद्द क्यों नहीं करता मामला? ये इंटरेस्टिंग है अखिलेश प्रताप सिंह मैं आपके पास आता हूँ। जब ईडी कार्रवाई करती है, जब ईडी कार्रवाई करती है सत्येंद्र जैन पे, तो कांग्रेस कहती है बढ़िया काम हुआ है, काम होना चाहिए, जहां चोरी हुई है वहां धरपकड़ होनी चाहिए। जब ईडी कार्रवाई करती है ममता बनर्जी के मंत्री के ऊपर, जहां से 60 करोड़ रुपए निकलते हैं, जहां से सोना निकलता है, तब कांग्रेस कहती है कि बढ़िया काम हुआ है, हम तो कह ही रहते भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, तब आप कहते हैं कि ये द्वेष की पॉलिटिक्स है। ऐसा क्यों? दोहरे मापदंड क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? 40 सेकंड आपको, या आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के पास एक पट्टा है, अगर उस पट्टे को किसी ने अपने गले में लटका लिया तब वो जेल में नहीं सड़ेगा, ना उसके यहाँ ईडी जाएगी। पट्टा वो विपक्ष को जो नेता हैं, एक अभी एक प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री हैं, अभी वाले पहनते हैं बीजेपी से हैं, वो एक पट्टा फूल का, वो तो कांग्रेस वाले पहनते हैं बस, हाँ लगा लेते हैं ना। जब कांग्रेस वालों को एक पट्टा दिया गया था, ईडी नहीं पूछेगी बस इनके पास, क्योंकि इनके पास धुलाई मशीन है, जैसे वो पट्टा लगाते हैं। अरे हाँ वही बता रहा, बीच में देखिए, फिर मैं तो इनके बीच में नहीं बोला, तो आपको गंदगी फैलानी है। चलिए हम तो धुलाई मशीन है, आपको गंदगी ही फैलानी है भ्रष्टाचार। अच्छा एक एक करके गौरव आप भी पट्टे वाली बात पर, क्योंकि बीजेपी का पट्टा बोला गया, जवाब दीजिएगा उसका। आपने बीजेपी का पट्टा याद दिलाया, बीजेपी पार्टी में जाकर जैकेट हटाइए, कहीं पट्टा तो नहीं। सुनिए नहीं, एक मिनट, वो जैकेट थोड़ा नीचे करिए, पट्टा दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए ये हमारे पट्टा क्या होता है जी, ये क्या चर्चा करता है, क्या परिचय दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील, क्या मतलब है पट्टा? लोगों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हाँ पट्टा यही होता है। सुनिए ऐसे बात तो सुन तो लो, राष्ट्रीय पार्टी का बात कर पहुंच गया हो ना, किस दल में हो, क्यों नहीं जा रही है ईडी उन नेताओं के पास जो जिनके दरवाजे कल तक ईडी जाती थी, आज बीजेपी में चले गए, उनके दरवाजे ईडी क्यों नहीं जाती है? कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कितने पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं जिनके दरवाजे रोज ईडी जाती थी? आप ये बताइए, सोनिया गांधी राहुल गांधी जैसे बीजेपी का पत्ता करने का, वो पाक और साफ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अखिलेश जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, हम पट्टा कुत्ता पिड्डी इस पर नहीं आए। माधव आनंद भी इंतजार कर रहे हैं मेरा, एक सेकंड अखिलेश जी, जो मेरा सवाल था वो बड़ा मूलभूत सवाल था। जब ईडी कार्रवाई करती है आम आदमी पार्टी पर, आप ताली बजाते हैं। जब ममता बनर्जी पे कार्रवाई करती है, आप ताली बजाते हैं, अपनी बारी बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है बीजेपी पर। एक मिनट अमीश जी, मेरी बात नहीं हुई, अमीश जी मेरी बात होने दें जी, अमीश जी मेरी बात होने दें। हाँ बोलिए बोलिए, अमीश जी मेरी बात होने दें, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मेरी बात 10 सेकंड में हो जाने दें। जी जी 30 सेकंड देखिए, जब बीजेपी किसी को ज्वाइन कराती है तो पट्टा डालती है ना गले में, जो पार्टी का पट्टा है, जैकेट नीचे करके पट्टा पहने, जब जैसे वो डाल देती है, वो इन सब ईडी इनकम टैक्स अखिलेश जी नहीं जाता, गमछा होता है, ये उदाहरण है हिंदुस्तान में, दर्जनों होता है, वो एक कांग्रेस का अंगवस्त्र होता है, लेकिन पट्टा एक जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप भी जानते हैं। उसके पहले अब आप भी बोलने नहीं देंगे? मैं तो बोलने दे रहा हूँ। नहीं अमीर जी देखिए, उनको आदत पट्टे की पड़ी हुई है, इसलिए पट्टा बोल रहे हैं। शब्दों का शब्दों का भाव, जब आप जाते हैं ना तो बिस्किट खिलाते हैं उछाल के और एक पट्टा डाल देते हैं, संदर्भ से होता है अमीर जी, गलती उनकी नहीं है। गौरव 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 गौरव
हम कोई भी लाइन क्रॉस न करें, मेरा निवेदन ये रहेगा। अरे मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए ना, वो पट्टा पट्टा बोल रहे। गौरव 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 एक सेकंड, नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शब्दों का भाव संदर्भ से निकलता है, सुनिए 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 अमीश जी, शब्दों का भाव संदर्भ से पहचाना जाता है, ये जान लीजिए, संदर्भ क्या है फिर शब्द का मायने निकलता है। ठीक है, आपका संदर्भ मैं समझ गया, आपका संदर्भ वो नहीं था, लेकिन मेरे सवाल के संदर्भ में आपने कुछ नहीं कहा, मुझे इस बात का अफसोस है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। माधव आनंद, ऐसा क्यों होता है माधव आनंद, लगातार मैं बार बार इस सवाल को पूछ रहा हूँ। जब ईडी ममता पे कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ताली बजाती है, जब ईडी सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करती है वहां से पैसे निकलते हैं तब कांग्रेस ताली बजाती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर वो ईडी को गाली देती है, कहती है ईडी इडियट है, ऐसा क्यों? अगर ईडी, अगर सत्येंद्र जैन के मामले में सही है, अगर ईडी ममता बनर्जी के मंत्री के पास 50 करोड़ से ज्यादा कैश निकल के आता है आज के दौर के अंदर तब सही है, तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी में गलत कैसे हो सकती है? यही तो डबल स्टैंडर्ड है अमित जी, जब अपने ऊपर कार्रवाई होती है तो ईडी उनको जो है नजर आता है कि जो है निष्पक्ष नहीं है, दूसरे के ऊपर होती है कार्रवाई तो ताली बजाते हैं। मुझे लगता है कि कानून, आपको काम अपना करने देना चाहिए, कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और सबको जैसे उसमें आस्था व्यक्त करना चाहिए, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। और मुझे लगता है जो करप्शन किया है, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। ये पट्टे वाली पॉलिटिक्स पर आप क्या कहते हैं? बात देता हूं कि देखिए, अब इस तरह की बातें तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह की बातें होनी चाहिए और कोई ऐसा शब्द का प्रयोग हो जिसका जो है सो कहीं अनु जो लोगों को अच्छा नहीं लगे, तो मुझे लगता है ऐसे बयानों से, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। हिंदी में तो इतने सारे शब्द हैं जहां खेल सकते हैं शब्दों से, लेकिन इस तरह का वर्ड जो है सो प्रयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी, मेरा 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 फिर आपसे सवाल है, ईडी की कार्रवाई ममता बनर्जी के केस में सही कैसे है और आम आदमी पार्टी के केस में सही कैसे है और आपके केस में गलत कैसे? इफ यू कैन एक्सप्लेन, I'm giving you 40 seconds. कभी कभी इस तरह की बात कांग्रेस ने की, आपको बताना होगा कि अगर कल यही बंगाल के सज्जन, जबकि बंगाल में इसी तरह के कई लोग और पकड़े गए थे, रेड हुई थी, सम्मान हुआ था, बीजेपी में जाते ही फिर उनके यहाँ ईडी गई, और ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, कल जब इनका भी भाजपाईकरण हो जाएगा, कहीं बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर क्या आप इस तरह की बहस करेंगे? आप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम बहस आपने बहुत बहस की है बंगाल के, सवाल पूछे थे मुकुल रॉय पर, हमीर सवाल पार्था चटर्जी को अगर कांग्रेस लेगी या बीजेपी लेगी आगे, लेकिन बीजेपी अगर ऐसा ऐसा होगा तो जरूर सवाल पूछेगा अमीश देवगन, लेकिन आपने पूछा, आपने बोला ये, हमने कहा बोला, अधीर दा ने क्या बोला? अरे भाई, जब मंत्री पकड़े गए कांग्रेस के बंगाल यूनिट ने क्या बोला, कांग्रेस के दिल्ली यूनिट ने क्या बोला, जब सत्येंद्र जैन पकड़े गए पंजाब के कांग्रेस के यूनिट ने क्या बोला, पंजाब के कांग्रेस यूनिट ने क्या बोला, देख के भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली के अंदर। पॉइंट इज दिस, आपकी पार्टी ये बोल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला गया। गौरव भाटिया 30 seconds, गौरव भाटिया 20 to 30 seconds फाइनल वर्ड। देखिए, ऐसा है कि जब कार्रवाई ईडी सीबीआई टीएमसी और आपके खिलाफ करे तो वो अच्छी है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ करे या उद्धव शिवसेना के खिलाफ करे तो वो बुरी हो जाती है। लेकिन अमीर जी, ये भी सच्चाई है, जैसे एक चोर दरोगा को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ऐसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है यहाँ पर, फिलहाल आप तमाम लोगों का इतना ही, समय आर पार का यही समाप्त हो गया है, फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन निष्कर्ष चाहिए कि ईडी अगर अपना काम कर रही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो शायद नेताओं को बुरा लग सकता है, संसद के गलियारी में इस पर चर्चा हो सकती है, विपक्ष को बुरा लग सकता है, लेकिन जनता जनार्दन जो बहुत मेहनत करती है और मेहनत से अपना जीवन चलाती है, उसको लगता है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी है तो वो पकड़ा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ईडी अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाएगी तो ईडी पर भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, नमस्कार। देखिए, सीधा सा सवाल है कि राष्ट्र के स्वयं सेवक राहुल गांधी के लिए देशद्रोही हैं,